एक सवाल का जवाब देने की कुव्वत रखते हैं। हमारा नजात दहिंदा तनहा पूरी दुनिया को पता कर गया, और सबसे ज्यादा मसीहत ही दुनिया में फैली। ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं? सहाबा इकराम ने फैलाया, उनके बाद वली हैं, और इनके आते ही इतना कुछ बिगड़ गया, न कानून की इज्जत, न औरतों की, न बच्चों की। ये क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या कहें इनको? अपनी अपनी दुकानें खोलकर उन गरीब बच्चों को सड़कों पे भेजना, मारना अपने ही सिपाहियों को, अपने ही फौजियों को, अपने ही वजीर आजम और सुप्रीम कोर्ट को, क्यों नहीं आते? गलती क्यों कानून सोता है? दुनिया में तो फिर यहूदों ने सारा ही ताकतवर है, तो ये तो उनके फिर एजेंट हैं कि अगर पाकिस्तान की तमाम फोर्सेज इनके धंधे और इनकी पड़चोल नहीं कर सकती, इनसे पूछ नहीं सकती, इनको एक जुमले को ग्रामेटिकल लिखना नहीं आता तो ये तशरीहात करते हैं। दे इनको एक आयत ही कुरान की और मुख्तलिफ जबानों, दुनिया की जितनी जबानें उनमें ट्रांसलेट करवाई हैं, उर्दू में नहीं कर सकते, पंजाबी में नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे? तो जरा मेहरबानी तमाम भाइयों से और हुदल वतन पाकिस्तानियों से इल्तजा है कि वो मौका ना आने दें कि ये बनासरी की उम्मत सड़कों पर निकले, और ये उससे बड़े दीवाने हैं। सूलियां झीलना इनका मशगला है और दीवाने हैं ये सूलियों के, इनके पास से लकड़ी खत्म हो जाएगी सूलियों के, जेलों बंद करने के लिए जगह ना रहेगी, कितनों को मारेंगे, कितनों को डालेंगे? ये तो वैसे ही नफसियाती मौत मर चुके हैं, इनके ना बच्चे, इनकी ना बच्चियां सुकून में होती हैं, कहीं स्कूल में चली जाए, हॉस्पिटल में चली जाए, बस स्टेशनों पर, इदारों में, जहाजों में, एयरपोर्ट्स पर, हर जगह खतरा महसूस, और इनको देखते ही वो घबरा जाते हैं। ये इस्लाम के आशिक नहीं, जन्नत के हैं, और इनके कब्जों में है, जिससे ये गरीबों की बच्चियों को और बच्चों को गरगला कर लाते अपने जिनसी और दीगर मसाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको लाइव मीडिया के सामने इनकी परचोल करें, इदारों को लिखाएं पीछे इनके, वरना पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। ये कुछ नहीं दे सकते जो कुर्सियों के काम देखते हैं, हर 5 साल के बाद 1 महीना इनका सिर्फ इश्क होता है, इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आता। एक सवाल का जवाब